कार्यक्रम के प्रतिभागी बच्चे, आप सब लोगों का भी को भी मैं शुभकामना देता हूं और इस कार्यक्रम में आप लोग उपस्थित हुए, आपको मैं धन्यवाद भी इसके लिए देता हूं। जब इस कार्यक्रम की रूपरेखा रखी गई थी और अमर उजाला ने अप्रोच किया था कि सर ऐसा एक प्रोग्राम करवाना है, तो आप सभी लोग जान रहे हैं कि आज से एक सप्ताह पहले मैं यहाँ जिले में DM भी था, तो मैंने ये सोचा कि क्यों इस प्रोग्राम में प्रतिभाग करना है और क्यों इस कार्यक्रम में ऐसे कार्यक्रम में आना है, मतलब क्या मुझे ऐसे कार्यक्रम में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, बच्चों के बीच अलग से जाने का क्या मतलब है, और बैचेज भी हम लोगों के लगभग 15 साल पुराने हो गए हैं, तब से एग्जामिनेशन का पैटर्न भी बदल गया है। लेकिन फिर कोई एक ऐसी बात थी जिसने क्लिक की और मैंने कहा नहीं, इस कार्यक्रम में मैं आता हूँ, आप लोगों के बीच आता हूँ। और वो जो उद्देश्य था वो कहीं ना कहीं अपने तैयारी के दिनों से जुड़ा हुआ था। ये वाकया है उस समय का जब मैं ग्रेजुएशन करने के बाद सबसे पहले पहुंचा था प्रयागराज, उस समय का इलाहाबाद। एक सेंटर हुआ करता था, सेंटर लगभग ख़त्म हो रहा था और वहाँ एक जगह पर मैंने एडमिशन लिया, किसी कोचिंग सेंटर का नाम लेना उचित नहीं है, कहीं एडमिशन मैंने लिया। और बहुत शुरुआती दौर था, ये नहीं मालूम था क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, पूरा एक अथाह समुद्र सामने दिखाई पड़ रहा था, तो बहुत मुश्किल लग रहा था कि कैसे पढ़ना है, मतलब प्रीलिम्स हैं, मेंस हैं, इंटरव्यू हैं, जो सफल कैंडिडेट्स थे उनसे कुछ लोगों से पूछा, किसी ने कुछ बताया। तो कोचिंग में ही एक दिन उन्होंने वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इन्वाइट किया, संयोग से उन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ आगे चल के मुझे काम करने का मौका मिला। और उन्होंने आधे घंटे के अपने लेक्चर में, जो वहाँ पर उस दिन आए थे, उन्होंने ऐसे अपने व्यूज़ दिए, अपना ऐसा पर्सपेक्टिव रखा सामने कि मेरा जो एक फ्रस्ट्रेशन था बहुत शुरुआती दौर का, मुझे क्या करना चाहिए, उसने मुझे उनकी कुछ बातों ने राह दिखा दी और मुझे बहुत चीज़ों की क्लैरिटी, मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं कि उन्होंने जो कहा वही मैंने भी कैच किया हो, वही बाकी बच्चों ने भी कैच किया हो, लेकिन कुछ बातें ऐसी थी जिन्होंने वहाँ से एक बड़ी तीखी मोड़ वहाँ पर स्थापित कर दी। और उसके बाद फिर अपने सिलेक्शन के दौर तक मुझे इस बात में कभी क्लैरिटी होने में कभी नहीं हुई कि मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है। जाहिर सी बात है, जब वो उस जगह आए थे लेक्चर करने के लिए, वो 95 बैच के हैं, तो वो भी 11-12 साल पुराने पैटर्न के रहे होंगे। लेकिन फिर मैंने ये देखा नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कभी कभी काम की होती हैं, उनसे काम बन जाता है, अगर दिल में घर कर जाए तो बात बन जाती है। तो सबसे पहले वजह कि मैं अभी लखनऊ चला गया, उसके बावजूद मैं इस प्रोग्राम में आया आपके बीच, तो ये पहले मैंने कहा मैं वजह स्पष्ट कर दूं कि मुझे लगा कि नहीं, हो सकता है किसी एक के भी कुछ काम आ जाए, किसी दो के कुछ काम आ जाए, कोई बात ऐसी हो, कोई इसमें भी ऐसा बंदा हो बहुत सीरियस हो, बहुत सीरियसली तैयारी कर रहा हो, ठीक है, राह नहीं दिख रही हो। तो हालांकि मेरे अब बोलने के लिए बताने के लिए बहुत कम कुछ रह गया है, चूँकि सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट सिविल सर्विसेज के ही एस्पिरेंट होते हैं, चूँकि DM साहब ने और एडिशनल CP साहब ने बहुत कुछ चीज़ें आप लोगों के सामने रख दी हैं, उसके बाद कुछ बचता नहीं है। तो मैं इसमें चाहूँगा कि मैं कुछ बच्चों से पूछ लूँ कि उनको कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो तैयारी के बारे में। हाँ बोलिए बोलिए, एक माइक जरा दे दीजिए भाई, एक माइक दे दीजिए। तो मैं पहले 5 लोगों से कुछ क्वेश्चंस ले लूँगा और उस पर फिर चाहूँगा कि उनसे एक बार बात कर लूँ कि क्या होना चाहिए। जी बताइए साहब। सर मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा, मेरी तरह यहाँ बैठे हज़ारों छात्रों की ये उम्मीद होती है, आशा होती है कि हमें एग्ज़ाम में कैसे सफल होना है। हम सभी को ये तो मालूम है कि एग्ज़ाम में कैसे सफल होना है, लेकिन सर मैं ये जानना चाहूँगा कि तैयारी के दौरान हमें कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें हैं जिससे बचना चाहिए, तैयारी के दौरान हमें क्या नहीं करना चाहिए, सर मैं ये जानना चाहता हूँ। So first of all, very good evening to everyone present here. Myself Indira. So my upcoming question is very common but yet important. जब भी UPSC हमारे mind में आता है तो सब ये सोचने लग जाते हैं कि we have to read a bundle of books. So sir, what is your opinion? कि हमें extensive study करनी चाहिए या फिर selective study? Thank you sir. ठीक है, दो लोगों के पहले मैं question लेता हूँ।
तो पहले क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और कितना पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। मैं समझता हूँ कुल मिलाकर इतनी ही बात है, ठीक है। तो पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि जैसे अभी मैंने कहा, आपके सारी बातों को कुल मिलाकर लबो लुआ भी है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, नंबर वन। और आपका कुल मिलाकर जो क्वेश्चन है, ठीक है, कितना पढ़ना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो जैसे आपने इतनी लंबी चौड़ी बात कही, उससे उतना ही समझ में आया जितना मैंने दो शब्दों में कहा। पहले तो ये कला आनी चाहिए, ठीक है, कि आप सारगर्भित रहें, ठीक है। पहले सार मैं क्यों बता रहा हूँ, कोई बहुत बुरी चीज़ नहीं है। जब कोचिंग्स में आंसर लिखने की प्रैक्टिस करवाते थे, ठीक है, तो मैं भी जाता था, प्रैक्टिस करता था। लोग बोलते साहब बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए, बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए, प्रैक्टिस करने से चीज़ें ठीक होती हैं। तो उस समय मुझे बहुत कुछ क्लैरिटी नहीं हुई, लेकिन जब मेरा सिलेक्शन हो गया तो उसके बाद मैं बस शौक बस, चूँकि टाइम था 2-3-4 महीने का टाइम था, तो मैं कुछ जगहों पर कुछ टेस्ट सीरीज वगैरह चलाता था। तो उस समय फिर मेरे पास करीब जो मेन देने वाले बच्चे थे केवल उनकी टेस्ट सीरीज में चलाता था, कोई पैसे नहीं लेता था, ऐसे चलाता था, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया करता था इस काम को। तो जब कॉपी उनकी जांचने का मौका मिला, आप सोचिए लगभग 1000 बच्चों की कॉपी को देखने का मौका लगा, तो उसमें जिस जिस पर मैंने उंगली रखी कि ये टॉप करेगा, वो सब अगले सेशन में अगले साल में टॉप किए, ठीक है। क्यों, मैंने टॉप नहीं करवाया, उनके लिखने का तरीका, उनके बताने का तरीका ऐसा था, वो अपने आप को सही ढंग से एक्सप्रेस कर पा रहे थे, जो जान रहे थे, जो उनके दिमाग में था वही उनकी कॉपी में लिखा हुआ था। तो पहले तो ये जो मैं कह रहा हूँ इसको आपको समझना चाहिए कि भाई जो इवैल्यूएटर है वो आपको कैसे इवैल्यूएट करेगा, जो आपने लिखा उसी से तो आपको जानेगा, और क्या माध्यम है जानने का कि ये स्टूडेंट कैसा है, क्या है, नहीं है, ठीक है। तो पहली बात है कि कॉपी में जब आप आंसर लिखते हैं फालतू की बातें नहीं लिखनी चाहिए आपसे। जैसे हम लोग जब कॉलेज में होते हैं, जब मैं भी कॉलेज में था, पहले लिखता था, पूछा गया फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो पहले फर्स्ट वर्ल्ड वार से शुरू किया 1850 से कहानी, ऐसे था ऐसे था, तो डेढ़ पेज की भूमिका लिखा। डेढ़ पेज की भूमिका लिखने के बाद फिर उसकी एक बॉडी पर आया, फिर मतलब वो उसको मेन कहानी फर्स्ट वर्ल्ड वार क्यों हुई वो सेकेंड पेज से शुरू हो रही है। कॉलेज में मैं ऐसे ही लिखता था, ठीक है, कि सेकेंड पेज से वो शुरू हुई, ठीक है, और उसको फिर एक डेढ़ पेज का लिखा, फिर कंक्लूड किया, उसके बाद उसके परिणाम। अरे ये पूछा ही नहीं तो क्यों लिखा भाई, पूछा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के रीजंस क्या हैं, आपको इतना ज्ञान देखने के लिए वो नहीं बैठा था, वो ये जानना चाहता था कि आप सार गर्भित बात बता सकते हैं या नहीं बता सकते हैं, आपकी का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है, और आप मुद्दे पर रहते हुए दाएं बाएं की बात किए बिना अपनी बात को सही ढंग से समझा सकते हैं या नहीं। जैसे इसको ऐसे समझिए, आपको इस सर्विस में आने के बाद क्या करना है, मतलब आपको IAS कॉम्पीट करवाना सरकार का उद्देश्य नहीं है, सरकार का उद्देश्य एक ऐसा लोक सेवक लेना है जो अधिकाधिक सरकार की योजनाओं को लागू कर सके और लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा काम आ सके। ये एग्जामिनेशन तो उसको के लिए सबसे योग्य या योग्यतम उम्मीदवार अभ्यर्थी चुनने का माध्यम है। तो अंत में आपकी इस कैपेबिलिटी को देखा जाता है कि आप अपने आप को सही ढंग से रख सकते हैं या नहीं, आपके समझने सोचने की शक्ति सही है या नहीं, चीज़ों को सही दिशा में आप उसके एनालिसिस कर सकते हैं या नहीं। अब इसको मैंने क्यों कहा, इस बात पे क्यों आया हूँ वो भी बता देता हूँ। अब इसको मैं जोड़ता हूँ उनके प्रश्न से कि साहब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो एक बात तो मैं आपको बताऊँ, 15-16 घंटे तो पढ़ना पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई बोलता है नहीं पढ़ना पड़ता है, गलत बोलता है। क्यों 15-16 घंटे पढ़ना पड़ता है, भाई आप जैसे अपने BA में होंगे, BSc में होंगे, तो आपका एक सिलेबस होगा ना भाई, उस सिलेबस से क्वेश्चन आना है, तो आप ब्लैंक कैसे जा सकते हो कि नहीं मैं जाऊंगा और मैं लिख के चलाऊंगा। अरे भाई जो सिलेबस है उसी से क्वेश्चन आना है, तो सिलेबस तो पढ़ के जाइएगा ना, उस पर पढ़ कर अपनी समझ बनाकर तभी तो एग्जाम में जाइएगा। तो अच्छा, आपने अब तक जो पढ़ाई की है आगे का सिलेबस उससे भिन्न है, उसमें बहुत सी नई चीज़ें हैं, उस पर उस लेवल की आपको जानकारी अर्जित करनी है, ज्ञान अर्जित करना है, जिसमें कि आपकी अब तक की जो पढ़ाई थी BA BSc 8-9-10 पेपर आपने पढ़ा है, उससे आगे के लेवल की आपको जानकारी अर्जित करनी है। तो आपने केवल एक पेपर पढ़ा था 3 साल, यही तो होता है मेरे ख्याल से, अभी वही है BA BSc 3 साल का पढ़ना होता है, और अगर आप ऑनर्स वगैरह कर रहे हैं तो एक पेपर, एक सब्जेक्ट 8-9 पेपर पढ़िए 3 साल, और उससे ज़्यादा आपको जानकारी अर्जित करना है पूरे सिलेबस की, जिसमें कि आपको GS भी है, जिसमें आपको आपका ऑप्शनल भी है,
दुनियादारी की तमाम चीज़ें भी हैं और उससे ज़्यादा करना है। तो आप ये दो ढाई साल जब तक इस पर 15-16 घंटे लगातार मेहनत करके अपनी अंडरस्टैंडिंग नहीं बना लेंगे उतने ही सिलेबस पर, तब तक ये कौन कहता है, कैसे कह सकता है कि नहीं साहब नहीं पढ़ना पड़ेगा। दूसरा एक प्रश्न है कि क्या पढ़ना है, फालतू का एकदम नहीं पढ़ना है, जो सिलेबस से केवल वही पढ़ना है, सिलेबस से केवल यही पढ़ना। बोलेंगे साहब सिलेबस कैसे, उसमें तो बहुत सारे जो हैं करंट अफेयर्स की बहुत सारी चीज़ें होती, उसमें भी एक पैटर्न है, उसमें भी एक पैटर्न है कि वो क्या पूछता है। दूसरा इस बात को सबको समझना होगा, मैंने आपसे क्या कहा, सिविल सर्विसेज में जब आपको यहाँ पर काम करने के लिए लाया गया है तो आपकी इतनी समझ है या नहीं है कि आप सही चीज़ पकड़ पाते हैं, इसी का पूरा गेम है। तो आप उस पूरे सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन के पैटर्न में उसके पैटर्न को पकड़ पाते हैं या नहीं पढ़ते हैं, केवल यही गेम है। पैटर्न पकड़ने का तरीका मैं बता दूं, जैसे नए पैटर्न पे जब से सिविल सर्विसेज में एग्जाम्स हो रहे हैं, 10-11 साल हो गए एग्जाम्स होते हुए, हम लोग क्या करते थे कि क्वेश्चन पेपर उठा लिया करते थे और चैप्टर वाइज उसको मैं क्वेश्चन को कलर कर देता, क्योंकि उसको फिर नोट करता इस चैप्टर का ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन। मान लीजिए कि क्वेश्चन आया आपको फर्स्ट वर्ल्ड वार ही उठाते हैं, हालांकि फर्स्ट वर्ल्ड वार उस समय सिलेबस में नहीं हुआ करता था, वर्ल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री मेन के सिलेबस का पार्ट उस समय भी नहीं हुआ करती थी, अभी मालूम है या नहीं है, एक एग्जांपल के तौर पर बना लेते हैं। तो 10 साल में आए हुए उस चैप्टर से क्वेश्चन क्या, उसको एक कलर से, रेड कलर से, उसको बॉल से कलर कर दिया, ठीक है, मालूम है कि ये फर्स्ट वर्ल्ड वार का है। दूसरा उठाया उसको ग्रीन कलर से, उसको हर 10 साल का कलर कर दिया, उसको उठा के फिर उसको नोट डाउन करेंगे टाइम खराब होगा, तो वो करना ही क्यों है। अब मुझे जब जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चैप्टर पढ़ना है, टॉपिक पढ़ना है, बुक पढ़नी है, पहले मैं क्वेश्चंस पढ़ता था, इसलिए क्वेश्चंस पढ़ता था कि मुझे ये मालूम होना चाहिए कि इस चैप्टर में मुझे क्या पढ़ना है, मतलब मैं चैप्टर पढ़ डालूँ उसके बाद क्वेश्चन पढ़ूँ, उससे बढ़िया मैं पहले क्वेश्चन जान लूँ इससे पूछता क्या है भाई, किसकी रिक्वायरमेंट क्या है, UPSC ने उसे पूछा क्या, ये मुझे पहले मालूम होगा तभी तो मैं उसका उसी मैं भी वैसे ही पढ़ूंगा, मैं भी उसी ढंग से उस चैप्टर को पढ़ लूँगा, मुझे मालूम है कि उसको पढ़ने का एंगल क्या होना है। तो मैं अपना तरीका बता रहा हूँ, बाकी तो सब लोगों की अपनी अपनी USP होती है, सब लोग अपने अपने ढंग से पढ़ते हैं। अच्छा, हड़बड़ी भी सबको जैसे रहती है कि साहब 2-2.5 साल में क्लियर करना है, तो मैं भी वही टारगेट लेकर गया था 2-2.5 साल में क्लियर करना, बट ठीक है स्ट्रैटेजी काम भी आई, ठीक भी रहा। तो क्या पढ़ना है ये क्लियर हो गया, कैसे पढ़ना है वो भी बता दिया, टू दी पॉइंट जो आपसे पूछा जा रहा है, जो आपसे रिक्वायरमेंट है वही पढ़िए, उतना ही पढ़िए, और फालतू की चीज़ें मत पढ़िए। फालतू की चीज़ में मेरे एक परिचित वहाँ पर थे, तो सुमित नाम था, सुमित नंदन, तो हम लोग ऐसे ही उनसे पूछा करते थे, सर ये बताइए कि क्या पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए, प्रीलिम्स में कैसे पढ़ा जाए। तो उन्होंने कहा कि सांप कभी मत पढ़ना। हम लोगों ने कहा सांप क्या, सांप तो मैं 2009 बैच का हूँ, तैयारी मैं 2006 के स्टार्टिंग से मैंने शुरू की, तो 2008 का एग्ज़ाम ईयर है जिसमें कि बैच अगले साल का मिलता, तो मैंने 3 बार इसको एग्ज़ाम को दिया, जब से तैयारी किया तभी से एग्जाम देना शुरू कर दिया था। 21 ईयर्स एलिजिबिलिटी है, जैसे ही 21 का हुआ उसके बाद मैंने एग्जाम फर्स्ट सेकंड थर्ड दिया, उसके बाद सिलेक्शन हो गया। तो उनसे मैंने पूछा कि सर क्या नहीं पढ़ना है, बोले सांप नहीं पढ़ना है। तो 2005 में GS में 4 क्वेश्चन आए थे जो सांपों से थे, ये सांप कौन सांप है जो इस सांप को खा लेता है, अमेजन इनमें से कौन सा सांप है जो अमेजन के जंगल में मिलता है। तो उन्होंने बोला मेरे एक हिंदू कॉलेज के सीनियर हैं, उसके बाद वो 3 बुक सांप के लिए आए और उन्होंने उसके बाद दम करके, पूरे दम लगाकर 2 महीने सांपों पे पढ़ा, अगले साल सांप से भी क्वेश्चन ही नहीं आया। तो उनका ये नहीं करना है, UPSC यही तो जानना चाहती है कि आप फालतू में उसके जो GS का क्वेश्चन प्रीलिम्स का भी था उसमें फालतू के क्वेश्चन रहते थे, वो जानना चाहती थी कि आप अपने आप को सीमित रख सकते हो या नहीं, आप अपने आप को केवल क्वालिफाई करवाने, GS क्या है, पहले भी यही था आज भी यही है, आपको क्वालिफाई करवाने का, वो मालूम है कि साहब वो आपको उसको मालूम है कि नहीं क्वालिफाई करने का तरीका, फालतू आप दाएं बाएं इधर उधर की चीज़ों में तो नहीं टहल रहे हो, फोकस्ड अप्रोच में जितने स्टैटिक क्वेश्चन हर साल आने, आप अपने आप को उतने तक लिमिटेड रखकर सही समय में उतने को पढ़ पा रहे हो नहीं। इसको बताने का उद्देश्य भी आपको मैं बता दे रहा हूँ, प्रीलिम्स का एग्जाम आपको नंबर नहीं दिलवाता है, प्रीलिम्स का एग्जाम जो है वो ओमिशन का है, आपको बाहर जो गैर सीरियस उम्मीदवार हैं उनको एग्जामिनेशन से बाहर करेगा, जिनका काम नहीं है, जो इस योग्य नहीं थे कि उनको UPSC बहुत गहराई में परख सके, उनको आउट कर देगा। पूरा प्रीलिम्स का एग्जाम यही 3-3.5 लाख 4 लाख बच्चे अपीयर हुए, उसमें 20,000 का उनको मेन का एग्ज़ाम करवाना है, तो ये 2,80,000 2,90,000 बच्चों को उसने एलिमिनेट कर दिया,
यहाँ आपको नंबर नहीं मिलते हैं, यहाँ आपको उनका सिलेक्शन नहीं करना है, तो आपको उतना ही जानना है जितने में एलिमिनेट नहीं होना है। नंबर तो मिलते हैं मेन के एग्ज़ाम में, और लोग तैयारी कर रहे होते हैं 3 साल प्रीलिम्स की। अब यही गलत है भाई, जिस पे आपको नंबर मिलने हैं तैयारी उसकी करो ना। तो जैसे हम लोग भी पहुँचे तो पहले कमरे में बंद करके 1 साल धुआंधार पहले केवल मेन की पढ़ाई की, पीटी क्वालिफाई करने के बाद कैसे मेन की तैयारी कर लेंगे? उसके बाद बचता कितना? 3-4-5 महीने का टाइम बचता है, उतने में तो कुछ हो ही नहीं सकता है। बट ये भी नहीं, अच्छा क्या होता है देखा है कि लोग गए साहब पहले मेन की तैयारी कर अगले साल देंगे प्रीलिम्स, अच्छा अभी पूरी नहीं हुई चलिए अब अगले साल लेंगे, फिर क्या होगा अगले साल लेंगे, तब तो खूब मज़ा आया दिल्ली में पूरे लफंगों की टोली बना ली और 3-4 साल पूरा दिल्ली घूम डाला, उसके बाद बोले अब नहीं होता घर वापस चलेंगे बिजनेस करना है। तो एक तरीका ये भी है। तो नॉन सीरियस टाइप के जो स्टूडेंट्स हैं जिनको अपना लक्ष्य ही नहीं मालूम है कहाँ जाना है किधर जाना है, तो उनके विषय में तो चर्चा ही नहीं करनी है। बट जो सीरियस कैंडिडेट है उसकी ये स्ट्रैटेजी क्लियर होनी चाहिए कि आपको एक्चुअली कब क्या पढ़ना है। तो प्रीलिम्स आपने देने के पहले 1 साल 1.5 साल बैठ करके मेन की अच्छी तैयारी कर ली, आपको खुद में क्लैरिटी होनी चाहिए कि सिलेबस में मेरा ये अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ है जो प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के बाद मुझे पढ़ लेना है। अच्छा प्रीलिम्स का भी आपको मैं बताऊँ, प्रीलिम्स का पेपर करते करते आपको 1 घंटे बाद मालूम चल जाता है मेरा सिलेक्शन हो रहा है, लिखते लिखते उसको गोला घिरते घिरते मालूम चल जाता है मैं सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा प्रीलिम्स में। फालतू वाले लोग बोलते हैं कि साहब बैठेंगे 1 महीने बाद रिजल्ट देखेंगे, अरे जिसको यही क्लैरिटी नहीं कि नहीं हो रहा है उसके बाद गए वो घर घूम के आए कि अब तो बढ़िया बढ़िया 15 दिन 20 दिन 25 दिन के बाद रिजल्ट आएगा, तब तक घर चलते हैं 2-3-4 शादियाँ अटेंड करते, शादियों का सीजन होता है ठीक है, घर पर जाते हैं बड़ी इज्जत मिलती है कि बेटा या बेटी बहुत मेहनत से लगन से शादी मेहनत कर रहे थे आए हैं, तो 2-3-4 शादियाँ गए रिश्तेदारों में थोड़ा माहौल बना रहा कि सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, माहौल वाहौल का पूरा आनंद लेने के बाद फिर वापस आए ठीक है। अरे जो सीरियस कैंडिडेट है उसने 1 महीने भी पढ़ा, वो जैसे वहाँ से प्रीलिम्स के देकर पेपर निकला वो उसके बाद अपने रूम पर पहुँचने के 2 घंटे से वो लग गया तैयारी में ठीक है, तो उससे मुकाबला करना है। और उसके बाद जब आपने मेन का एग्ज़ाम दिया, इस बार जब आपने मेन का एग्ज़ाम दिया आपको ये मालूम है किस किस जगह कमी रहेगी, कोई बोलता है साहब नहीं मालूम है तब तो बहुत मुश्किल है, ऐसे आदमी का गवर्नमेंट करेगी क्या? जिसको ये क्लैरिटी नहीं है कि आप में क्या कमी रह गई क्या सुधारना है उसका गवर्नमेंट क्या करेगा उसका? तो आपको मालूम है ये कमी है, तो जैसे आपने मेन का एग्ज़ाम दे लिया मैं देखता हूँ कुछ तो उसके बाद धुआंधार 5 जगहों के प्रीलिम्स का भर कर रखे, उसके बाद गए वहाँ प्रीलिम्स दिए वहाँ दिए वहाँ दिए धुआंधार दिए जा रहे हैं, देते हैं उन्हें सिलेक्शन भी होता है, मैंने कभी नहीं दिया। मैं अक्टूबर के बाद मेन के एग्ज़ाम के बाद उस समय को रखता था कि अगले मेन के एग्ज़ाम में मुझे जो कमियां रह गई हैं अभी से 4 महीने इसको क्या क्या सुधार करनी है, चूँकि उसके बाद फिर प्रीलिम्स की तैयारी में लग जाऊंगा। भाई जब अगर सुधारूंगा ही नहीं तो अगली बार फिर तो ऐसे ही एग्ज़ाम दूंगा, जब मुझे मालूम है कि इस बार ये कमियाँ रह गई, इतने ढंग से यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, ये मैं नहीं कवर कर पाया था और इन क्षेत्रों को मैं नहीं देख पाया, अच्छा पहले साल से एग्ज़ाम दे रहा हूँ, जाहिर सी बात हो सकता है कुछ छूटा हुआ कुछ नहीं पढ़ पाए हूँ ठीक है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आपको वैल्यू एडिशन कब करना है कितना करना है। कोई अगर ये बोलता नहीं साहब हम तो पूरा कर चुके हम नहीं करने को, तब तो भाई UPSC की गलती है, कोई एग्ज़ाम ले रही है आपका सिलेक्शन नहीं कर रही है, बट ऐसा होता नहीं है ठीक है। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो आपको अपने वैल्यू एडिशन के लिए टाइम जरूर निकालना चाहिए। और वैल्यू एडिशन में भी ये बताऊँ, बैठ करके किसी परम ज्ञानी से आपको ज्ञान नहीं मिल सकता है, ये सब चीज़ें अंदर से आती हैं, जब आप सीरियसली तैयारी करना शुरू करते हैं सब मालूम होता है कब कब क्या क्या करना है। दूसरा ये समुद्र है, इस समुद्र में आपको ये नहीं मालूम चलना है कि आप नीचे जा रहे हैं ऊपर जा रहे हैं, चारों ओर अंधकार सा दिखता है, लेकिन जिस दिन आप क्वेश्चन बैंक लेकर बैठ गए 10 साल का वही आपका टॉर्च है, वही आपका टॉर्च वही आपको बताएगा कि कब कब क्या क्या पढ़ना है। और जब भी पढ़िए, मैं बताऊँ हम लोग पढ़ा करते थे तो क्वेश्चन बैंक ऐसे बगल में ही रखते थे, बता दिया कुछ ही पढ़ना है पहले उसको, दैट इज़ अ टॉर्च, वही गाइड है जो आपको बताएगा क्या पढ़ना, उसके अलावा आप कर रहे हैं तो सब फालतू बेकार है। लोग बोलते हैं साहब इतनी मोटी मोटी किताब, मैं प्रयागराज में गया एक ज्ञानी आत्मा के पास पहुंचा, उनके कमरे में देखा पूरी किताबें रखी हुई पूरे भरे हुए, मतलब कोई वॉल खाली नहीं भरी हुई है। तो बताया इस एक जो मैं मुझे लेकर गया था उसने कहा सर ने 3 बार प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, तो उन्होंने देखा देखो इतना पढ़ना पड़ता है प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए, तो मैं भी घबरा गया, तो मेन वाला कहा है तो मालूम चला मेन तो कभी क्वालिफाई नहीं कर पाए ठीक है। तो अच्छा उनकी उपलब्धि ये थी कि वो अपनी असफलता को वहाँ प्रयागराज में बैठ के एंजॉय कर रहे थे,
मैं सही बताऊं, देखिए सभी चीज़ की सही व्याख्या होनी चाहिए। वो सीनियर होने का और वो 100-150-200 लोगों के बीच बैठकर इस चीज़ को एंजॉय कर रहे थे कि वो असफल कैंडिडेट हैं, बहुत पुराने हो गए, लोग उनसे ज्ञान लेने आते हैं, और कमरे में बैठकर वो एक बड़े ज्ञानी आता बैठकर सबको इतना अच्छा अच्छा ज्ञान देते हैं। क्या जो एक कैंडिडेट था उसका अंतिम उद्देश्य यही था? जाहिर सी बात है, ये पूछना चाहिए हम क्यों कर रहे हैं। क्या मैं ये काम कर रहा था, मैं पढ़ाई कर रहा था, तो क्या अपने पड़ोसी को दिखाने के लिए कर रहा था, रिश्तेदारों को बताने के लिए कर रहा था? अरे अगर जिसका अंतिम उद्देश्य एग्जाम में सफल होना नहीं है तो वो सब विचलित है, बाकी जो कर रहा है सब गलत है। जो आपने पूछा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो कुछ लोगों को मैंने ऐसे विचलित होते देखा है कि पहले कहीं सिलेक्शन हो गया, नीचे के रैंक पे हुआ, उसके बाद चले गाँव में भोज भात करवाना शुरू हुआ, वही चला जा रहा है, तो वो तो रिदम ही टूट गया। जिसने जीवन को जिस स्तर पे एंजॉय करना शुरू कर दिया अपने इस काल में, अपने संघर्ष के काल में, उसका रिदम वहीं ब्रेक हो जाता है, इस बात को भी समझना होगा। तो उनके कमरे से निकलकर मैं आया, मैं उनसे पूछने गया था कि मैंने जिस सब्जेक्ट को पढ़ा है अपने पीछे के अब तक के ग्रेजुएशन में, क्या उसको ले लूँ? तो उन्होंने पहले मुझे बड़ा डिमोरलाइज किया, फिर बोला कि देखो जीएस में इतना पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने उसी दिन फिर कसम खा ली कि अब मैं किसी से ऐसे ज्ञान नहीं लूँगा, ठीक है। लेकिन 2-3-4 लोगों से संपर्क करते करते फिर मुझे समझ में आ गया कि आपका गुरु जो है वो क्वेश्चन बैंक ही है। मैं इसको 4-5 बार रिपीट मैंने कर दिया, ठीक है, कि आपको, आप पकड़ो कि यूपीएससी क्या पूछ रहा है। अंतिम मेरा जो आपको आज का मूल मंत्र है कि यूपीएससी क्या चाहता है, इसको यूपीएससी के प्रश्नों से पकड़िए, वहाँ से पकड़िए अपना आप टारगेट, वहाँ से डिसाइड कीजिए आपको क्या क्या पढ़ना है, कब कब पढ़ना है। 1-2 लोगों का और क्वेश्चन ले लो, उसके बाद मैं क्लोज कर दूंगा। माइक दे दीजिए भाई। हेलो, गुड इवनिंग सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या जॉब के साथ तैयारी हो सकती है? सर मेरा प्रश्न ये है कि मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, ग्रेजुएशन के साथ तैयारी कैसे कर सकते हैं? गुड इवनिंग सर, माय क्वेश्चन टू यू इज हाउ अ स्टूडेंट शुड स्टार्ट हिज प्रिपरेशन अलॉन्ग विद द ग्रेजुएशन। थैंक यू सर। ठीक है। हेलो, गुड इवनिंग सर। मेरा नाम ज्योति सोनी है और इस साल मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, तो मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि मेरे को ऑनलाइन कोचिंग करनी चाहिए या ऑफलाइन कोचिंग करनी चाहिए? हो रहे हैं, ठीक है, तो उसको आप देख लीजिए कि कौन से एरिया। अब आपके पास केवल वैल्यू एडिशन के अलावा कुछ बचा नहीं करने के लिए, लास्ट अटेम्प्ट है, तो वो आप खुद से जज कीजिए। आपके पास इतना टाइम है कि आप खुद से पूरा पढ़ पाएंगे, या जो पोर्शंस कम है उस पर कुछ बने बनाए नोट्स मिल जाए, कोई आपको गाइड कर दे, ठीक है। चूँकि आप उस सीरियस स्टेज में हैं जहाँ आपको टाइम मैनेजमेंट ही बहुत अच्छे से करना है, तो उसको आप देख लीजिए। मैंने कहा ना, खुद मालूम होता है कि कितना पढ़ना है, कितना टाइम है, नहीं है, आप उसके बीच में डिसीजन ले लीजिए कि कितना आपके पास टाइम कुल मिलाकर बढ़ा है और कौन कौन से पोर्शंस आपके वीक रह गए हैं, ठीक है। कोचिंग से सपोर्ट ये मिल जाता है कि बहुत सारा चीज़ जो हम लोग खोजते हैं वो एक जगह इकट्ठा मिल जाता है उनके नोट्स में, ठीक है, वो इतना फ़ायदा तो ज़रूर होता है वहाँ पर, ठीक है। तो उस लेवल पर अगर खड़े हैं तो उसका फ़ायदा ज़रूर होगा। जिसने मुझे पूछा कि इंटरव्यू में क्या करना चाहिए, ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसका जवाब जरूर दे देना चाहिए। हालांकि उसको मैंने कहा कि तुम्हारे स्तर से ऊपर का है। दुनिया में जब आप अपने रिश्तेदारों से के बीच बैठिएगा ना, तो ये बोलते हैं कि इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया, इंटरव्यू में वो क्वेश्चन पूछा गया। अरे आपको मतलब क्या है, अभी तो उस स्तर पर खड़े ही नहीं हुए हैं। इंटरव्यू तो उसके लिए है जो उस मानसिक स्तर, उस विश्लेषण कर पाने के स्तर पर खड़ा हो, उसका जवाब वो दे लेगा। जो वहाँ पहुँचा है वहाँ कुछ ही पूछा गया, जिसने मेन क्लियर कर लिया वो उसका जवाब देने में सक्षम है। उसके पहले ये तो मैंने कहा ना कि मैंने कहा मेन की तैयारी पहले कीजिए, इंटरव्यू की मत कीजिए। इंटरव्यू की जो तैयारी करेगा वो सब रिश्तेदारों में पहले आईएएस बना घूमेगा, जीवन कभी नहीं होगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। एक किसी ने पूछा जॉब करते हुए कर सकते हैं या नहीं, ठीक है, तो जैसे हम लोग जब यहाँ सेलेक्ट होकर जाते हैं तो इसके बाद ट्रेनिंग एकेडमी पहुँचते हैं। जब ट्रेनिंग एकेडमी पहुँचते हैं तो मोर देन 50% लोग ऐसे मिलते हैं जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होते हैं, ठीक है, तो आपके क्वेश्चन का जॉब इसमें समाहित है। तीसरा किसने पूछा कि अभी ग्रेजुएशन में क्या करना चाहिए? यार अभी इतनी देर तो बताया क्या करना चाहिए, तब से तो यही बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए। अगर आप इनिशियल स्टेजेज में हो, ग्रेजुएशन में, तब से यही बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैंने भी देखा ना यहाँ जो हमारे श्रोतागण, उसमें ज़्यादातर कौन है, तो मैंने भी उन्हीं को केंद्र में रख करके अपना इतने देर का संबोधन अभी तक किया। यही बता रहा हूँ तब से कि क्या करना चाहिए, ठीक है, तो जरा उस पर अमल फरमाइए, ठीक है।
कि उसमें क्या करना चाहिए। और मैं समझ रहा हूँ अब तक किसी का क्वेश्चन तो नहीं छूटा अभी तक जिन्होंने पूछा, क्या आपका था पूछ लिया? थैंक यू सर। मेरा एक क्वेश्चन है सर कि मैं अपनी असफलता के कारण सफल नहीं हो पाया, लेकिन मैं अपने बेटे को इस स्तर तक पहुंचाना चाहता हूं कि मेरा ये स्टेज सही है या गलत है, मुझे किस स्टेज पे अपने बेटे को इस चीज़ के लिए तैयार करना है, क्योंकि मैं अपनी असफलता को ना सफलता की सीढ़ी बनाना चाहता हूँ। समझ गया। थैंक यू सर। और कोई एक क्वेश्चन और ले लूँगा। यस सर। सर गुड इवनिंग सर, मेरा नाम नागेश कुमार है सर। मैं अभी करेंटली मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ सर। मेरे साथ ये दिक्कत आती है प्रिपरेशन करते टाइम, जैसे कि मैं एक सब्जेक्ट का कंप्लीट कर चुका हूँ ऑलरेडी ज्योग्राफी में, तो उसके बाद मैं आगे के सब्जेक्ट में पढ़ता हूँ, तो जब मैं देखता हूँ कि जो मैं सब्जेक्ट समझ गया हो गया समझ गया। आगे। गुड इवनिंग सर। यस सर। आई एम परसुइंग MSc फ्रॉम आगरा कॉलेज। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, कहाँ किधर हाथ उठाइए। हाँ सर, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, लेकिन उनकी जो पढ़ाई है वो मतलब बीच में छूट जाती है, वो मतलब उस पढ़ाई को दोबारा ज्वाइन कैसे करें? तो एक बार हाथ उठाइए, यूपी बोर्ड से कितने हैं? हाँ मैं जान रहा था कि इस आज के इस जगह पे यूपी बोर्ड वाले ही ज़्यादा होंगे, ठीक है, तो इसलिए जानबूझ के मैंने कुल मिला के रखा भी वैसे ही थोड़ा देसी स्टाइल का, थोड़ा देहाती स्टाइल का, बहुत सोफिस्टिकेटेड नहीं। कुछ कारणों से मेरे पिताजी की पोस्टिंग बिहार में थी और आगे चलकर झारखंड अलग हो गया, तो मैंने भी बिहार बोर्ड से ही पढ़ाई की, ठीक है। तो यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड से नहीं फ़र्क पड़ता, काबिल होने से फ़र्क पड़ता है, ठीक है। एकदम क्लियर रख लीजिए कि जो आप बोल रहे हैं साहब इस बोर्ड के लोगों का हो रहा है, उस बोर्ड के लोगों का नहीं हो रहा, उस बोर्ड का नहीं हो रहा, अरे जिन्होंने कहा वो खुद बिहार बोर्ड, बिहार बोर्ड के हैं, मैं भी बिहार बोर्ड का हूँ, ठीक है। दो लोग आपके सामने खड़े हैं और ये कुछ उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उनका कुल मिला के ये कहना है बैकग्राउंड का ये फ़र्क पड़ता है। अब आपके घर में कोई ना पढ़ने वाला, ना पढ़ाने वाला, ना गाइड करने वाला, बैकग्राउंड का ये मतलब नहीं कि आपने किस मीडियम से पढ़ा, ठीक है। उनके कहने का आशय भी लीजिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, उस बैकग्राउंड का बड़ा असर पड़ता है। अब पता चला पूरे मोहल्ले में कोई पढ़ता नहीं, एक अकेले आप पढ़ते हो, दिन भर उन्हीं के बीच घूम रहे हो, उस बैकग्राउंड की बात हुई, इस बैकग्राउंड नहीं कि अब एकदम आप किसी बोर्ड स्पेसिफिक हैं और वहाँ से काबिल होने के लिए इस बैकग्राउंड का होना जरूरी नहीं है। एक आपने पूछा कि इनको बनाना चाहते हैं, सिविल सर्वेंट बनाना चाहते हैं, नहीं अच्छी बात है, उत्साह होता है। देखिए हम लोग सब लोग उस जगह पर रहते हैं जहाँ पूरा शहर पूरा जिला हम लोगों को देखता है, एक इसका चार्म होता है। लेकिन आपने एक मूवी देखी होगी थ्री इडियट्स, ठीक है, मैं बड़ा उसका हिमायती हूँ, ठीक है, बहुत हिमायती हूँ साहब, ठीक है। कोई किसी को ऐसे नहीं बना सकता है, उसमें होना चाहिए, ठीक है, एकदम साफ बता दे रहे हैं, होना चाहिए तभी बनेगा, ठीक है। और पूरी पूरा डायलॉग नहीं सुनाएंगे उस मूवी का, ठीक है, कुल मिला के जिसमें जो होगा वही बनेगा। मतलब हम जो है इंसान को गाय नहीं बना सकते हैं, गाय को हाथी नहीं बना सकते, बस वैसी कहानी है, ठीक है। जिसको साइंटिस्ट बनना था उसको IAS बनाने की चल दीजिएगा, IAS वाले को फुटबॉलर बनाने, बस वही वाली कहानी है। पहले उस चीज़ को देख लीजिए, नाप लीजिए, तौल लीजिए, प्रतिभा अपनी दिशा में बहती है, ठीक है। और यही वजह है कि हम ओलंपिक्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, सबको IAS बनाने में लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिए बच्चे की कितनी उसकी प्रतिभा है, कितना वो जाना चाहता है। प्रतिभा तो हर किसी में कुछ ना कुछ अपने ढंग की है, ईश्वर ने दिया है ना, तो उसको कैसे इतना बदल दीजिएगा, ठीक है। अगर वो बात है, ठीक है, तो इतना जितना मैंने बताया बहुत है, ठीक है। एक और किसी ने पीछे कुछ पूछा था सर, नहीं तुमसे पहले किसी और ने पूछा था उधर, चलो पुरानी बात होगी। तो मैं अब आपको अपना संबोधन यहाँ पर पूर्ण कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों से चूंकि सवाल तो देखिए बहुत सारे होंगे, वो समाप्त तो होने वाले नहीं है, आप जब जब तैयारी कीजिएगा तब तब कुछ कुछ सवाल उठता रहेगा। कुछ चीज़ें दिल में भर लीजिए, सेवा में आना चाह रहे हैं, क्यों आना चाह रहे हैं सेवा में। पहले तो आदमी आता है कि एक पहचान रहे, अपने परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ती है क्षणिक रूप में, तो आदमी वो देखता है, ठीक है। बट जो भी आइएगा इस प्रण के साथ आइएगा, आएंगे कुछ लोग आएंगे, आज के इस कार्यक्रम से कुछ न कुछ लोग लाभान्वित जरूर होंगे, ये मेरा परम विश्वास है, इसीलिए यहाँ मैं खड़ा भी हूँ। तो कुछ न कुछ आएंगे, तो जो भी आएंगे उनसे मेरा यही निवेदन रहेगा, पूरी ताकत लगाइएगा देश के लिए, अपने लोगों के लिए, समाज के लिए। समाज मतलब कास्ट वाला समाज नहीं, आगरा बड़ी खराब बुराई है, समाज जैसे बोलते हैं आदमी अपने कास्ट वाले समाज को लेता है, ठीक है।
समाज का मतलब है जिस जगह से आप आते हैं, जिन लोगों से आप आते हैं, ठीक है, उसको एज ए कम्युनिटी उठा करके, चाहे वो आगरा में है, बलिया में है, देवरिया में है, गोरखपुर में है, उसके कष्ट को समझते हुए उसको दूर करने का प्रण लेके आइएगा, ठीक है। बाकी नौकरी बहुत कुछ देती है, बहुत कुछ देती है, इसीलिए आप लोगों के बीच खड़ा हूँ, क्योंकि एक पहचान देती है, ठीक है। जोश जज्बा आपका कभी कम ना हो जो भी यहाँ आए, और पूरे मनोयोग से लगे रहिए, फालतू के सवालों जवाबों में टाइम मत खराब कीजिए, ठीक है। पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, उसमें दिल लगाइए, केवल एस्पिरेंट होने का मजा मत लीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।